कोई फर्क में देखिए 120 वर्ष चार पांच का दिन तब जाए होवे अर्श सब सृष्टि सेजना करे होवे अखंड जाहिर धाम जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सबो ही तमाम सो सुध सबो ही तमाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय परम पूजनीय वंदनीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय वंदनीय देवी जी जिन्होंने कितनी सुंदर सेवा करने का मौका दिया एवं इस मंदिर की सेवा कर रही दोनों भाइयों के चरणों में एवं आत्म संबंधी आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान अक्षरा के धनी के चरणों में मेरा कोटि कोटि श्री कांडा प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी कल के रोज हम सुन रहे थे कि पहले से सारे शास्त्रों के अंदर साक्षियां लिखी हुई थी। आपने कल साक्षियां सुनी कि गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे थे शब्द तो पढ़े अक्षर दे पारा पढ़े पुरुष का करो बेचारा। श्री रामचंद्र जी ने रामायण में कहा अगर कहूँ मैं नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाए। और जब सारे शास्त्र एक ही बात कह रहे थे कि वो उत्तम पुरुष एक ही है और कहते वो कब आएंगे और कौन सी लीला करेंगे 120 वर्ष की लीला कुरान के अंदर लिखी हुई थी कि 120 वर्ष की लीला होगी। वो 120 वर्ष क्या है 1638 से लेके 1752 तक की लीला। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल जी की लीला चौथा पांचवा और छठे दिन की लीला है चार पांच छठा दिन अब जाहिर हो गए अर्श चौथा दिन किसका है किसका है सदगुरु श्री देवचंद्र जी का और पांचवा दिन किसका है और छठा दिन किसका महाराजा श्री छत्रसाल जी ने 24 वर्ष तक जाने का कार्य किया अपने समय में। उन्होंने भेजा था सीताराम भाई को बलका हास बाबा दया राम जी की जो गांधी को हम मानते हैं उनको वहीं से भेजा गया था। उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी ने श्री पांच नवकलपुरी धाम के अंदर प्रथम गांधी जो लगाई गई थी वो केसर बाई की गांधी थी। केसर बाई को महाराजा छत्रसाल जी ने भेजा था कहाँ पे श्री पांच नवकलपुरी धाम के अंदर। आपने केसर बाई जी की बात सुनी हुई है केसर बाई एक बहुत ही विद्वान विदुषी थी पर वस्त्र नहीं पहनती थी शरीर पे वस्त्र नहीं। एक दिन श्री बंगला जी दरबार में चली गई पता लगा जंगलों में थी जंगलों से कहाँ चली गई श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पन्ना में चली गई। और पन्ना में गई तो क्या देखती है कि महाराजा छत्रसाल जी है वहाँ जो श्री प्राणराज जी की वाणी चर्चा सुनते हैं और नृत्य होना था उस नृत्य को उसने देखा। राज दरबार के अंदर गई महाराजा छत्रसाल जी के राज दरबार में तो राज दरबार में नृत्य चल रहा था। जब दूसरी बार उसने महाराजा छत्रसाल जी को नृत्य होते हुए देखा कि वो एक नाच रही है और महाराजा छत्रसाल जी नृत्य देख रहे हैं क्योंकि राजा थे महाराजा थे राज दरबार में तो सब कुछ चल रहा है। वो केसर बाई ने महाराजा छत्रसाल जी को बाहर खड़े होके इशारा किया कि तुम तो नाक पकड़ो उसने अपना केसर बाई ने अपना नाक पकड़ा कि पूरे मोह सागर के अंदर डूबे हुए हो सामने आके खड़े होके इशारे में बात करी कि तुम पूरे डूबे हुए किसके अंदर मोह सागर में। महाराजा छत्रसाल जी अपने सिंहासन पर बैठे
महाराजा छत्रसाल जी ने अपने दाएं अंगूठे को पकड़ा और ऐसे किया कि ये माया मेरे स्तनों के नीचे रहती है, क्योंकि मेरे पर किसकी कृपा है? महामती स्वामी श्री रामनाथ जी की। वो बहुत बड़ी विदुषी थी, उसने कहा कि मेरे इशारे का जवाब इन्होंने एक पल में दे दिया, मैंने तो इनको युग किया था और इन्होंने आगे नाकुल में युग कर दिया। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि मेरे महामती प्राणनाथ जी की मुझ पर इतनी असीम कृपा है कि ये माया मेरे नाखून के अंगूठे तक भी नहीं आती, दुबले की तो बात ही अलग है। कुछ शाकुंडल को मेरे प्राणनाथ के रहते हुए कैसे माया दूर हो सकती है? मेरे पर किनकी छत्र छाया है? मेरे ऊपर तो मेरे दिलजीत साईं जी प्राणनाथ जी की छत्र छाया, मेरा माया चली बिगाड़ करती। फिर महाराजा छत्रसाल जी ने मंजरी रानी को कहा कि ये है तो परम विदुषी, और ये इस तरह से रहेंगी दरबार में आएंगी तो अच्छा नहीं लगता, जाइए इनको वस्त्र पहनाइए। फिर उसको वाणी चर्चा छत्रसाल जी ने सुनाई, क्योंकि वो प्रणामी नहीं थी। महाराजा छत्रसाल जी ने वाणी चर्चा सुना के और उनको महामती प्राणनाथ जी की पूरी वाणी की पहचान करा के उसको प्रणामी बनाया। जब वो महामती प्राणनाथ जी के लिए अपने तन और मन से उसने दिलजीत साईं जी को स्वीकार किया तो वो सारे शास्त्रों की ज्ञाता थी, ये वाणी तो पढ़ने उनके अंदर उतरती गई, क्योंकि मोमिन एकलव्य होती टूक टूक, ब्रह्म सृष्टि को तो एक एक शब्द से उसकी जागृति हो सकती है। चार शब्द से जग मिलते तो चार शब्द से जग मिले, तो जब एक को सुनाया और उसके बाद जब पूर्ण पहचान हो गई तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि नौतनपुरी धाम के अंदर हमारी पुरी है, जो हमारे गजानन स्वामी सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज ने जिस पुरी की स्थापना की है, ऐसी पुरी पे हम कोई गादीपति होना चाहिए। तो गादीपति किसको बनाया? यहाँ से श्रीपाठ पद्मावतीपुरी धाम से स्वरूप सहायक दे के, क्योंकि आप विचार कीजिए कि नौतनपुरी धाम में तब स्वरूप सागर नहीं थे, क्योंकि चार के कबे उतरी थी, वो तो विस्तृत जी ले गए थे और गुरुपुत्र बिहारी जी ने मना कर दिया था वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वहाँ पे स्वरूप सागर नहीं थे। तो महाराजा छत्रसाल जी ने केसर वाणी के शीर्ष कमल पर ये कुलजम वाणी ग्रंथ सागर थे और वहाँ पद्मावतीपुरी धाम के अंदर वो स्वरूप साहब जाते हैं और वो स्वरूप साहब फिर से अध्यामी करके तो प्रथम गादीपति जो बनी वो कौन बनी? केसर बाई। अब केसर बाई जी को गादी पर बैठा के उन्होंने बहुत समय तक जाने का कार्य किया, क्योंकि वो परम धाम की आत्मा थी। तो महाराजा छत्रसाल जी बलका हंस में भी सीताराम भाई को भेजते हैं और भी अनंत स्थानों पर। अब जागरी का जो कार्य 24 वर्ष तक किया महाराजा छत्रसाल जी ने अपने समय में, क्योंकि सारा दायित्व प्राणनाथ जी किसको सौंप के गए? महाराजा श्री छत्रसाल जी को। जाहिर में सुंदर स्थल को सौंपया, जाहिर में महाराजा छत्रसाल जी को, और आधुन में श्री राम जी को सौंप के जाते हैं। और ऐसी जागरी का कार्य के लिए दिलजीत साहिब जी स्वामी रामदास जी महाराज वर्णन करके कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी चौथा पांचवा और छठा दिन, ये 120 वर्ष की जो लीला है ये पुराण के अंदर पहले से लिखी हुई थी और कहा ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भरी ब्रजराज और जागनी करी। इन तीन ब्रह्मांडों के अंदर जो लीला हो रही है और खासकर जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो लीला हुई, सिद्धि साहिब जी वाणी में कहते हैं ऐसी लीला ना पहले कभी हुई थी और ना कभी आगे होगी। तो कहते क्यों? सब सृष्टि सेवा करे होवे अखंड जागर धाम, क्योंकि 120 वर्ष की लीला के अंदर हमारी सातों वाणी उतर के आई। अभी
आगे पसंद आएगा कि कैसे सार्थक उतरेगा और कैसे 18,758 ये सार्थक वाणी उतर के खाएगी और इस सार्थक वाणी के द्वारा सारे संसार को अखंड करना है। जो याद नहीं अक्षर को सबो ही तमाम, आज तक अक्षर भगवान रंग महल की लीला को नहीं जानते थे कि रंग महल के अंदर श्री राजी महाराज प्रथम भूमि में, दूसरी भूमि में, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, इस दसों भूमि के अंदर क्या लीला करते हैं। इस लीला के बारे किसको नहीं पता था, आज तक अक्षर भगवान को भी पता नहीं था। वो भी अखंड जाहिर धाम, तो कहते हैं ये जो वो परम धाम है, वो परम धाम इस तीन दिन की लीला के अंदर जाहिर हो गया। कौन सा? चौथे, पांचवे, छठे दिन के अंदर। ये सूद जो ले आए तो अल्लाह चौथे आसमान, तिल से तिकापत मई त्रिगुण सृष्टि पहचान। ये सुध ले आए रुख अल्लाह चौथे आसमान, वाणी में फरमाते हैं चौथे आसमान लाहूत में रुख अल्लाह बतत, पहले बताई दुर्गा ने सो मोमिन भेद जानत। चौथे आसमान लाहूत में चौथा आसमान कौन सा है? ये मृत्यु लोग, नासूत, फिर है मलकूत, फिर है जबरूत और चौथा आसमान कौन सा? लाहूत। और मूल मिला देखते आहूत। तो चौथे आसमान से, उस परम धाम से पहली बार इस ब्रह्मांड के अंदर श्री श्यामा जी महारानी अखंड आनंदकारी श्री राजी महाराज का दिल है, जो वो इस ब्रह्मांड के अंदर क्या लेके आए हैं, सारी परम धाम की नियमतों को इस संसार के अंदर लेके आते हैं। तीन से तीन प्राप्त वही त्रिगुण सृष्ट वही पहचान, कहते उन्हीं के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महादेव और सारी सृष्टि को पहचान होती है एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। आज तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान किसी के अंदर नहीं थी। तीन स्वरूप की भीतर जन्म से लेकर सो कहो आके करो एक चर्चा सब ऊपर, तीन स्वरूप की भीतर, कौन से स्वरूप की भीतर? हाँ जी, तीन स्वरूप किसकी? जिसकी चौपाई चल रही है। कौन चौथे आसमान लाहौर से लेके आए? सतगुरु गणेशी देवचंद्र जी महाराज तीन स्वरूप की भीतर जन्म से लेकर, निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी की भीतर जन्म से लेकर बता रहे हैं सो कहूं आगे सही नो एक चर्चा सब ऊपर। महावती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि वो मैं वो चर्चा सुंदर सार को सुनाने जा रहा हूँ जो चर्चा इस ब्रह्मांड के अंदर, इस चर्चा से ऊपर कोई चर्चा है ही नहीं। जिसने ये चर्चा सुन ली सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी की, वो आत्माएं यहाँ से सीधी अपने आहूत अखंड कोई मिलावे के अंदर जागृत हो जाएंगी। आप एक चीज के ऊपर बड़ा नाज किया करें, क्या? सिर्जी साहिब जी ने वाणी में कहा है मोमिनों के मेले मिले कोई आए न सके रूप खवाब, एक ख्वाब नीचे नीचे पहचानियों जो हो रहे रूप खवाब। मोमिनों के मेले मिले, कहते जहाँ पे ये निजानंद स्वामी जी की चर्चा, जहाँ पे महावती प्राणनाथ जी की चर्चा सुनाई जा रही होगी वहाँ माया का जीव बैठ ही नहीं सकता। बोलिए श्री प्राणनाथ, बिना निस्बत के कोई जीव आके बैठ नहीं सकता। और कभी आगे जाके बताएंगे आज सुबह की लीला में कि कोई आएगा तो किसी की खुशामद से आ भी गया तो थोड़ी देर बैठेगा और उठ के चला जाएगा, उसको इसके अंदर रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिसका अपना मायका हो ना, मायके की कोई बात बताए तो फिर तो वो अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में भी पूछ लगाई जाती है। अच्छा वो ठीक है, अच्छा वो ठीक है, वो कहते रहते हैं, वो कहते मायके की बात में बड़ा आनंद आता है। अब जिसके घर की बात ना हो, कोई आपके पास बैठी हो और वो ये बात सुन रही हो, अच्छा मैं फोन रखकर कैसे रखकर, वो कहेगी अच्छा फिर मैं करती हूँ फिर मिलूंगी आगे। क्यों? क्योंकि उसको कोई आनंद
नहीं आ रहा, क्योंकि उसके घर की बात नहीं है। और बात परम धाम की हो और सामने गर्भ दृष्टि बैठी हो सुनने के लिए, तो श्री जी कहते मुझे इतना आनंद आता है कहने में, क्योंकि ये खजाना किसका है, ये खजाना परम धाम की आत्माओं का है। तो कहते हैं सो कहूं आगे सैनो, एक चर्चा है सब ऊपर सिलाई कह दिया। आज तक ब्रह्मांड के अंदर 17 शास्त्र, 18वीं भागवत सबकी चर्चा हुई होगी, और पता नहीं कलाकारों ने कितनी चर्चा ब्रह्मांड में सुनाई होगी। वर्षों तक कोई सुनता रहे उन चर्चा को, लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी की लीला के लिए रामदास जी ने कह दिया इससे बढ़कर ब्रह्मांड में कोई चर्चा है ही नहीं। जिसने ये सुन लिया उसने सब कुछ सुन लिया। तो भी कहते निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारो भेद। ठीक इसी प्रकार से कहा कि निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, जिसने तात्व वाणी को पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया, सारे मंत्रों का भेद उसके पास आ गया। और जिसके पास निज नाम नहीं है, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारो वेद, चारों वेदों के श्लोक कंठस्थ कर लो, विद्वान बन जाओ। महामती प्रार्थना जी करते जब तक हीरानंद स्वामी जी की चर्चा नहीं सुनोगे, प्रार्थना जी की चर्चा नहीं सुनोगे, तब तक अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी, अखंड परम धाम कैसे मिलेगा। तो कहते हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज की चर्चा शुरू होने जा रही है। जब नया बरस अग्यारवां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहां से आया कहां है मेरो भरतार। बोलिए श्री कान्हा सुंदर साजी, परम धाम के अंदर श्री राजी महाराज के साथ बैठने वाली आनंदकारी श्यामा महारानी, जिन्होंने एक पल भी अपने प्रीतम की जुदाई को कभी देखा ही नहीं था। जी कदम उठाते हैं तो श्यामा जी पीछे कदम रखती हैं राजी के, राजी के अलावा वो कहीं नहीं जाती हैं। राजी विश्राम करेंगे तो राजी के साथ, राजी चलेंगे तो श्री राजी महाराज के साथ, कदम पे कदम रखने वाली, साथ बैठने वाली, अंग संग रहने वाली, कभी परम धाम के अंदर जुबाई की प्रीतम की देखी नहीं, ऐसी भोली वाली मासूम श्यामा जी महारानी का आप चित्रण कीजिए, ध्यान कीजिए कि वो श्यामा जी महारानी जो हरपुर सिंहासन पर बैठती हैं, उनको कहां उतार दिया गया है। राजी ने कहां उतार दिया, खेल के अंदर दर्दी दर्दा जानी, जो दर्दी होगा ना वो इस दर्द को समझेगा कि हमारी आनंद अमी श्यामा जी महारानी कितनी लाडली है। जब वो चलती है तो फूल फूल से जल छा देते हैं, जब वो चलती है तो हवा खुद ठंडी ठंडी हवा अनंत फूलों की खुशबू लेके श्यामा जी महारानी के स्पर्श करती हुई निकलती है। जिस श्यामा जी महारानी के लिए परम धाम के अंदर राजी महाराज खुद जिला मन के बीच है, सुंदर साहब जी परम धाम 50 करोड़ योजन के अंदर जहाँ जहाँ भी गिलम बिछी है वो गिलम स्वयं राजी महाराज बने हैं। राजी ने अपना हृदय बिछाया है श्यामा जी के आगे और परम धाम की परम आत्माओं के आगे, क्योंकि परम धाम की आत्माएं पतिव्रता है। श्री राजी महाराज ने कहा जो मेरी पतिव्रता परम धाम की लाडली आत्माएं है, ये किसी दूसरी धरा पर दूसरी जमीन पर पांव भी क्यों रखे, इनके चरण कमल भी रखे जाए तो किसके ऊपर रखेंगे, मेरे पे। याद कीजिए परम धाम के अंदर गिलम्बर के कौन लिखे, श्री राजी महाराज। परम धाम के अंदर जमुना जी कौन बने, वरुण देवता थोड़ी इन ब्रह्म आत्माओं को छू सके, ये पतिव्रता है परम धाम की, ये श्यामा जी राज्य का दिल है, हृदय है, इनको कोई दूसरा दल कैसे छुए। तो राजी महाराज जमुना जी के रूप में खुद प्रकट हो गए। राजी महाराज ने कहा कि ये ब्रह्म आत्माएं कुछ भी खाए, 7 घाटे केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी बट और उनकी डालियां जमुना जी के ऊपर लटक रही हैं, श्री राजी महाराज ने कहा ये कुछ भी फल तोड़ के खाएं, आम भी तोड़ के खाएं तो आम भी कौन बने।
से विराज जी महाराज कि इन लोगों को खेल से जाके पता लगेगा कि मैं इनका आशिक हूँ, यहाँ तो इनको कुछ भी पता नहीं है। ऐसी श्यामा जी महारानी जो सिंहासन पर घर पर बैठने वाली श्री राजी महाराज के बैठने वाली आज खेल के अंदर जब उतर के आई है, अभी 3-4 वर्ष की आयु होती है। ब्रजभूषण जी लिखते हैं 4 वर्ष की आयु में ही याद सताने लग जाती है। और हमारे लिए सोचिए अभी क्या उम्र हो चुकी है, क्या आज तक हमें लगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे पिता मुझे क्यों नहीं मिल रहे। 4 वर्ष की आयु में सामाजिक तरफ भी किसके बिना, अपने पिता के बिना। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम सारे किसके अंग है, सामाजिक के अंग। जो सामाजिक के अंदर तरफ है वो तरफ हमारे अंदर है। 4 वर्ष की आयु है, घर पे कोई आता है मांगने के लिए और कहते हैं अरत निरंजन देवचंद्र जी महाराज भाग के जाते हैं, कैसे बतावे अरत कौन है जिसको किसी ने नहीं पहचाना, बताने निरंजन कौन है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं तेरे को जितना आटा कहेगा उतना दे दूंगा, जितनी रोटियां कहेगा दे दूंगा, पर मुझे एक बार उसका कोई पता तो बता दो जिससे हम बिछुड़ के आए हैं। मैं कौन, कहां से आईगा, कहां है मेरे वरदान। मांगने वाले परेशान हो गए थे, इनके घर पे जाएंगे तो इनका बच्चा कितनी देर तक एक ही बात पूछेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ और मेरे घर का रखा हूँ। माता कुंवर बाई जी नित्य व्रती बाल कृष्ण जी की पूजा करती हैं, सेवा करती हैं। एक दिन सेवा पूजा कर रही है, नित्य व्रती देवचंद्र जी को भी नहला के तैयार करके और देवचंद्र जी के द्वारा पांच बैठा के सेवा पूजा करती है देवचंद्र जी को। एक दिन देवचंद्र जी ने देखा कि माँ ने कटोरी में बाल कृष्ण जी के आगे दूध रखा है और पर्दा किया है और पर्दा करके माता जी ने कहा देवचंद्र चरणामृत ले लो, भोग लग गया। देवचंद्र जी कहते हैं माँ भोग कैसे लगता है, बोले मतलब उन्होंने आरोग लिया। देवचंद्र जी कहते हैं पर ये कटोरी में जितना दूध रखा था ये तो उतना का उतना, इसमें कम तो हुआ ही नहीं। तो माता जी कहती है कुंवर भाई माता जी देवचंद्र मुझे तो इतना समय हो गया बाल कृष्ण को भोग लगाते लगाते, मैं तो जैसे रखती हूँ वैसे उठा लेती हूँ, मैं तो लायक ही नहीं हूँ ना उनके, मेरे हाथ से वो दूध पिए, मेरे हाथ से मिठाई खाए, ऐसी भाग्यशाली मैं थोड़ी हूँ। देवचंद्र अगर आपके दिल में ये भाव उठ रहा है कि ये कटोरी वाला दूध उन्होंने क्यों नहीं पिया, आप पिला के देखो क्या पता पी लें। देवचंद्र जी महाराज 5 वर्ष के हैं और 5 वर्ष के हैं तो बाल कृष्ण जी को कहते हैं माँ ने बड़े प्यार से कटोरी में दूध डाले, पी लो ना, कोई पर्दा नहीं किया देवचंद्र जी ने, कोई भोग नहीं बोला देवचंद्र जी ने। देवचंद्र जी ने बाल कृष्ण के आगे कटोरी की कि पी लो ना, बाल कृष्ण वहीं प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए, कटोरी देवचंद्र जी के हाथ से ली और दूध सारा का सारा पी गए। बोलो निजानंद स्वामी की ही। देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि अरे वाह, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ तो है, आज तो बाल कृष्ण जी साक्षात प्रकट हो गए और दूध पी लिया। अब देवचंद्र जी महाराज एक दिन बच्चों के साथ खेलने के लिए गए और जैसे खेलने के लिए जाते हैं, अभी 6-7 साल की आयु है, खेलने के लिए जाते हैं तो बच्चों ने कहा देवचंद्र अब संध्या हो गई है, उधर शमशान घाट है, सारे मरे हुए लोगों को वहां अपनाते हैं, आप इधर वापिस आ जाओ, उधर मत जाओ। देवचंद्र जी ने कहा वहाँ क्या है, बोले वहाँ भूत और प्रेत संध्या के समय निकल आते हैं, आप वापिस आ जाओ। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि जब हमने भूत प्रेतों का कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो हमें कुछ क्यों कहेंगे, है ना। तो देवचंद्र जी महाराज आगे बढ़े, उनके पीछे जो बच्चे थे ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनको डर भोग लग रहा है। देवचंद्र जी शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं,
इतनी देर में शमशान घाट के तरफ से कोई शेर, कोई हिरन, कोई सुअर, कोई चीता बनके जोर जोर से वो प्रेत आत्माएं देवचंद्र जी को देख के दहाड़ने लगी अलग अलग रूपों में। देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि अरे ये बच्चे तो सही कह रहे थे, ये तो संध्या के समय अनंत रूप धारण कर करके और सब शमशान घाट से निकलते ही आ रहे थे। उनको भी पता लग गया था कि हमारे मुक्ति दाता आ रही है, हमें आज इनके द्वारा मुक्ति एक पल में मिल सकती है। देवचंद्र जी महाराज ने वहां तालाब से जल लिया और जल लेके एक जल का चिंता उन सब के ऊपर दिया। वो सुंदर स्वरूप बन के विमान में बैठ के आकाश की तरफ निजानंद स्वामी जी की जय जयकार करते हुए चले गए। बोलिए श्री प्यारेनाथ निजानंद स्वामी की। तो देवचंद्र जी महाराज के दिल में और बढ़ता जा रहा है कि मैं मेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, पहले उन्होंने दूर पी लिया, अब ये भूत प्रेत है तो ये सुंदर स्वरूप बन गए, कोई ना कोई शक्ति तो मेरे अंदर है। देवचंद्र जी रोज सोचते हैं और कहते हैं जब भया बरस अग्यारवा तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ से खाइया कहाँ है मेरे वरदान। जब 11 वर्ष के होते हैं तो दिल में विचार आता है कि मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ और मेरे बलधार कौन है। तो फिर देवचंद्र जी ने क्या देखा, एक देवरा तारे सामने मूरख पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते देव प्रदक्षिणा के स्थान। तो कहते एक देवरा कहाँ रहे, वहां पे ओवरकोट गांव के अंदर एक बांध के बिहारी जी का मंदिर था। अब देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि एक ही मंदिर है उमरकोट गांव में, तो उस उमरकोट के गांव के अंदर जो उनके बिहारी जी का मंदिर है वहां पे देवचंद्र जी महाराज प्रातःकाल घर से लेके जाते हैं, एक लोटा लेके निकलते हैं, ले लोटा घर से चले धन धाम मन के काज, शुद्ध आकार करके फिर आवे ना मन में लाज। रोज देवचंद्र जी महाराज घर से देख लिया के लिए एक लोटा लेके निकलते हैं और स्नान करके कुल्ला करके नहा धोके तैयार होके बचपन में धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और किसी से लाज नहीं आती, किसी से शर्म नहीं आती, चुपचाप उस भाग्य बिहारी जी के मंदिर में जाके दंडवत परिक्रमा करते हैं। 108 परिक्रमा करेंगे, फिर दंडवत परिक्रमा करेंगे, क्यों, क्योंकि देह परिक्रमा कर्म सब छूटे ए सुख पंचम निश्चिन लूटे। परिक्रमा करने से क्या होता है, परिक्रमा करने से जो हमारे ऐसे कर्म होते हैं जो बच्चों के कर्म होते हैं कुछ ऐसे गुना हमसे हो जाते हैं जो छूट नहीं पाते। तो सिद्धि साहिब जी कहते हैं दही प्रदक्षिणा अति गणी करुण दंडवत प्रणाम सौ साधना मनोरथ पूर्जो महाराधनी श्री धाम। दही प्रदक्षिणा अति गणी, कहते देवचंद्र जी महाराज ने कितनी परिक्रमा करी है, दोनों जन में एक है और दूसरी तरफ से बताएंगे बाद में कि 25,000 किलोमीटर की जो यात्रा की प्राणनाथ जी ने जागरी करते हुए, वो जागरी करते हुए 25,000 किलोमीटर की यात्रा सारी की सारी परिक्रमा बन गई। क्या बन गई, क्योंकि किसके लिए चले थे घर से, जहां नगर से निकले हैं तो किसके लिए निकले हैं, शाकुंतल और शाकुमार को जगाने के लिए, जगाने के लिए उन्हीं को जा रहे थे। पर रास्ते में अनंत सुंदर साथी जागरी हो जाती है, तो सिर्फ साहिब जी भी कहते हैं दही प्रदक्षिणा अति घटी और इधर कहते हैं देश परिक्रमा कर्म सब छूटे, हमें जब भी समय मिले हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा करने से हमारे सारे कर्मों के बंधन कट जाते हैं और हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। आजकल तो सुंदर सा पता नहीं परिक्रमा को भी गर्मकार कहने लग गए हैं कि परिक्रमा करने से क्या होता है। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज 3-3 घंटे तक परिक्रमा करते हैं, किसको पाने के लिए, हमें क्या मिल गए राज जी महाराज जो हमें, हम सोचे हमें परिक्रमा करने की क्या जरूरत है, हमें मिल थोड़ी है। देवचंद्र जी महाराज 3 बार दर्शन करेंगे, प्रेरणा जी 3 बार दर्शन करेंगे, मोहम्मद सर जी ने दर्शन किया और हमारी 40 साल की उम्र कम की हो गई, हमें ख्याल ही नहीं आता
कि 40 साल की उम्र तक तो देवचंद्र जी को 3-3 बार दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि मन के अंदर पल भर नित खोजे चरनी चढ़े नए नए करे विचार खोज सुहागी ना थके जो लोग पहुंचे ना पहाड़ के पार। नित्य खोजती है कि प्रीतम को पाने के लिए क्या करो। कौन खोजती है? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। श्यामा जी है एक पल से नहीं आना सोचते की बात के बिहारी जी की मैं परिक्रमा करूं दंडवत परिक्रमा करूं मुझे साक्षात्कार हो जाए मुझे मिल जाए। कितनी मेहनत करती है किसके लिए? उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को पाने के लिए। तो कहते हैं नित इन प्रदीक्षिणा देवे एक पौर फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जो। हमें मेहनत करी हमें तो लगता है कि हमें दर्शन क्यों नहीं हुए। नहीं हुए तो हम रात के समय नहा धो के बैठे ना अपने प्रीतम को पाने के लिए। कभी ख्याल ही नहीं आता मन में कि धनी कैसे मिलेंगे देवचंद्र जी को कैसे मिले। हम ये तक तो हर बार सुनते हैं कई कसनी करी दुल्हन तो भी कारण हम संयम। कितनी कसनी करी किसको पाने के लिए? उस पूर्ण ब्रह्म अक्षराती धनी को पाने के लिए क्योंकि श्यामा जी है हर बार का भी बिछोड़ा सहन नहीं कर पा रही। तो कहते इस प्रकार करते करते एक बार पता लगा ओवरकोट के अंदर तो पानी की कमी रहती है कोई संत नहीं आता कोई साधु नहीं आता कोई महात्मा नहीं आता। तो कहते एक बेर मतु मेहता संग आए हते परदेश तहां देवरे साथ हो देखे बीच विदेश। एक बार मतु मेहता जी अपने साथ ले गए किनको? सतगुरु धनि श्री देवचंद्र जी महाराज को। और जैसे साथ लेके गए कक्ष में तो जाके निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे मंदिर हैं बड़े संत बड़े गुरुजन हैं। क्योंकि देवचंद्र जी को लगता था जिस दिन मुझे पूर्ण सदगुरु मिल जाएगा उस दिन परमात्मा भी मिल जाएगा। सिर जी वाणी में फरमाते हैं खोज बड़ी संसार रिदम खोजो साधो खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सदगुरु पाइए सदगुरु संग करता। खोजते खोजते जिस दिन सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे सच्चे सदगुरु के साथ ही कौन मिल जाएंगे हमको? करता मिल जाएंगे परमात्मा मिल जाएंगे रची महाराज मिल जाएंगे। तो सच्चे सदगुरु की खोज कर रहे हैं कौन कर रही है? निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। तो कहते बात तब की मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में। जब लेके गए मत्तु मेहता पता क्यों लेके गए थे? इसलिए लेके गए थे कि अभी व्यापार में ले जाना शुरू करूं अब बड़ा हो गया है थोड़ी व्यापार की जानकारी होए कि कैसे घोड़े खरीदे जाते हैं है? और खरीद के फिर कैसे आगे बेचे जाते हैं आगे ये व्यापार किसको भी तो पता होना चाहिए। पर वो तो गए अपना व्यापार करने के लिए और देवचंद्र जी महाराज की नजर कहाँ ढूंढती रही? देवचंद्र जी की नजर एक ही चीज ढूंढ के आई कि वहां पे क्या मिला है मेरे को देखने को? संत साधु सदगुरु अनंत तो बैठी है वहाँ पे। तो तब से लेके देवचंद्र जी ने सोच लिया कहाँ जाए के खोज करूँ आऊँ परमेश्वर तेरे से मैं वहाँ जाके खोज करूँ और खोज करने के बाद मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पा लूँ। घर में खटपट रहे मन में रहे विराग दुनी से तैर रहे उन देखे लगे आग। घर में खटपट रहे अब माता जी सारा दिन लड़ते कुंवर भाई कि कोई महात्मा मिल जाए कोई साधु मिल जाए हर किसी के साथ एक ही बात मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ मेरे भरकार कहाँ है। क्योंकि देवचंद्र जी का मन घर में तो लगता ही नहीं हर पल हर घड़ी क्या उनको एक लक्ष्य बन चुका है उनका क्या कि मेरे को प्रीतम को खोज के उनको पाना है मेरा भरकार कहाँ है मेरे प्रीतम कहाँ है। तो कहते हैं भजन के अंदर जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौदह तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे प्यार के सिवा कुछ याद नहीं उसे प्यार के सिवा कुछ याद
और कीर्तन कर रहे हैं, बैठे तो करके भजन सुने हुए हैं, अब बताओ कैसे पाओगे राजी। कोई तो साधन ढूंढो। एक बार जो उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के लिए ताली बजाता है ना, उसके भाग्य में धनी हो जाते हैं, उसकी ये रेखाएं बदल जाती है, उन रेखाओं में अक्षरातीत निवास करते हैं, उस विराट में उसकी रोशनी आती है, जो सृजि का गुणगान करे, जो धनी का या कोई देवी देवताओं के भजन थोड़ी गाए जाते हैं, जो आप नहीं गाते, किसका जो प्रसन्न आता है उस प्रसन्न के अनुसार भजन होता है। और वो भी क्यों? क्योंकि जब तक कीर्तन सत्संग के अंदर ना आए, जैसे कड़वी दवाई होती है ना, तो बिना पानी के नहीं पी जाती, और पानी से भी बच्चे को देते हैं थोड़ी पीली देनी पड़ती है उसके बाद। तो कहते हैं ईमानी भी क्या है, कड़वी, और कड़वी एकदम निकली नहीं जाएगी, थोड़ा थोड़ा मीठा देना पड़ता है। तो आसानी से दवाई एक महीने खानी है, खाते जाओगे। तो जब भी भजन गाया जाए, लाडले सुंदर साहब जी, धनी रीत जाते हैं, धनी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते एक बार मत्तु मेहता जी बाहर चले गए थे, आना तो प्रसंग बाद में था, पहले सुना देते। मत्तु मेहता जी एक बार बाहर गए और सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को कह के गए कि मैं राजा के दरबार में एप्लीकेशन लिखने का काम करता हूँ, और मेरे पीछे से वो तब अर्जी बोला जाता था कि अर्जी लिखता हूँ, और मेरे पीछे से उनको कोई कोतवाल को काम पड़ जाए और आ जाए तो ये काम आप कर देना देवचंद्र। तो देवचंद्र जी ने कहा ठीक है पिताजी, पिताजी बाहर जा रहे। कहते चलेगा देवचंद्र जी को, और उधर राजा के दरबार में राजा ने कहा कोतवाल को कि भाई एक अर्जी लिखवानी थी, वो मत्तु मेहता जी तो बाहर गए हैं, अब कैसे करें। तो बोले वो अपने बेटे की ड्यूटी लगा के गए हैं देवचंद्र की, वो कह गए थे कि आपको कुछ भी लिखवाना हो तो देवचंद्र जी वो अर्जी आपको पीछे से लिख देंगे। तो कोतवाल ने एक आदमी भेजा कि जाओ देवचंद्र जी से अर्जी लिखवा के आओ। तब कोई गाड़ियां तो थी नहीं, पैदल चल के आना पड़ता था, वो पैदल चला शाम के टाइम, चलते 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 रात हो गई, रात को वो बाहर ही सो गया दरवाजे पर ही, अब कौन खोलेगा गेट। और देखा तो 3 बजे के बाद भजन शुरू हो गए अंदर से, देवचंद्र जी महाराज भजन गा रहे हैं, इतनी आनंदकारी भजन गा रहे हैं, इतनी आनंदकारी। वो तो जो अर्जी लिखवाने आया था वो 3 बजे उठ के बैठ गया, उठ के बैठा, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। 6 बजे देवचंद्र जी बाहर आए, दरवाजा खोला तो वो, क्योंकि उन्होंने पहले भजनों से अपने प्रीतम को रिझाया, और भजनों से रिझा रिझा के फिर अपना चितवन ध्यान करते हुए, और गेट जब खोला तो गेट खोलते ही वो बाहर बैठा है। उससे पूछा भाई आप कौन? कहते मैं तो रात से ही आया हूँ 12 बजे से। तो भाई बताना चाहिए था ना? कहते नहीं, रात के टाइम को कौन ही दरवाजा खुलवाया, क्योंकि सो रहे होंगे, और काके सोचा बताऊंगा तो 3 बजे से लेके बैठा हूँ, 3 बजे से आप तो भजन गाने जा रहे हो, गाने जा रहे हो। देवचंद्र जी ने कहा काम क्या है, काम की बात करो, अपनी महिमा नहीं सुनते थे कभी, अपनी प्रशंसा नहीं सुनते, क्योंकि इतनी मीठी आवाज है आपकी, इतनी मधुर आवाज है। देवचंद्र जी ने कहा आपको किसने भेजा है, कोतवाल जी ने या राजा ने? कहते नहीं, आप खुद बनाते हो? कहते वो एप्लीकेशन लिखवानी है तो मैं फिर चलूं आपके साथ, क्योंकि फिर इसके बाद मेरे पास समय नहीं होगा। वो कहता हाँ चलो। देवचंद्र जी ने उनको प्रसाद दिया और वो चल पड़े। चल पड़े तो जाते ही वो आदमी पहले कोतवाल को बताते हैं कि ये इतने अच्छे भजन गाते हैं, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो इनकी रस भरी रसना से मैंने बाहर बैठ के भजन सुने हैं, ये तो ऐसे गायकार हैं कि आप सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। कोतवाल राजा जी के पास बैठा था, कोतवाल का राजा था, ये बता रहे हैं कि ये देवचंद्र बहुत अच्छे भजन गाता है, इतने अच्छे भजन गाता है कि तान सिंह को भी फेर कर दे, इतने अच्छे भजन गाता है। राजा ने कहा देवचंद्र हमको भजन सुनाओ। देवचंद्र जी ने कहा वो अर्जी किस पर लिखनी थी? आपने
मुझे दरबार में बुलाया है अर्जी लिखने के लिए, लाओ वो कागज और कलम मैं आपको अर्जी लिख दूं। राजा ने दूसरी बार कहा, देवदत्त हमने क्या बोला आपको, हमने आपको बोला है कि आप हमें भजन गा कर सुनाओ। देवचंद्र जी कहते हैं, हम भजन के पैसे नहीं लेते मेरे पिताजी, एप्लीकेशन लिखने के पैसे हैं। हमारी जो ड्यूटी है वो किसकी है, एप्लीकेशन लिखने की, ना कि भजन गाने की। तीसरी बार राजा कहते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भजन गाओ। देवचंद्र जी के हाथ में कलम और द्वार थी। देवचंद्र जी ने कहा, किसी गायक को बुला लो, किसी सिंगर को बुला लो, कलाकार को बुला लो, ना तो मैं गायक हूँ, ना मैं सिंगर हूँ, ना मैं कलाकार हूँ, मैं भजन गाता हूँ अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। मैं यहाँ दुनिया को रिझाने के लिए भजन नहीं गा रहा, मैं तो उसको रिझाने के लिए भजन गाता हूँ। और आपको भी अर्जी लिखवानी है तो लिखवाइए, नहीं तो आपकी इच्छा। उन्होंने कहा, जब तक भजन नहीं सुनाओगे तब तक अर्जी नहीं लिखवाऊंगा राजा ने कहा। देवचंद्र जी ने उनके दरबार में पटक के मारी दवार उसके सामने और पटक के मारी कलम ब्रजभूषण जी सीधा ऐसे लिखते हैं कि पटक के मारते हैं द्वार और पटक के मारी कलम कि ये पकड़ो आपकी द्वार, ये पकड़ो आपकी कलम, हमें आपकी नौकरी करनी नहीं है, ना मैं करूंगा ना मेरे पिताजी करेंगे। देवचंद्र जी वहां से चल पड़े, एक लाइन नहीं सुनाई किसको, और हम जैसे होते को राजा कौन लो अभी सुनाते हैं, जितने मर्जी सुन लो, लो राजा साहब ने कहा है भजन सुनने के। और दूसरी बात बताऊं, हम भजन तब तक नहीं गाते जब तक भीड़ नहीं आती। किसी को कह देना तू भजन शुरू कर, हजे कोई आया ही कौन, भजन किसको सुनाते हैं, किसको सुनाते हैं, हम पहले भीड़ की तरफ नजर डालते नहीं है सारे, मेरा भजन है तो यहाँ चला जाए, नया भजन है, पहली बार गाना है, कुछ लोग तो हो फिर पुराना हो जाएगा अगली बार को है, क्योंकि हम इधर तो देखते ही नहीं कि भजन किसको सुना है। देवचंद्र जी महाराज जितने भजन बनाते थे वो सारे भजन दूसरी बार कभी नहीं सुनाते थे। राज जी महाराज जो आज गाया ना वो कल नहीं गाते थे, कल हृदय से उमड़ उमड़ के दर्द भरे और भजन प्रकट हो जाते थे, तीसरे दिन और प्रकट हो जाते थे। सुनाए हुए भजन वो कभी राज्जी को दोबारा नहीं सुनाते थे कि धनी ये तो आपने भजन सुन लिए, और सुने हुए भजन मैं आपको दोबारा कैसे सुनाऊं। और ऐसे दर्द भरे भजन अक्सर अपनी धनी को सुना सुना के रिझा दिया देवचंद्र जी ने, बस में हो गए राज्जी महाराज। किसके बस में हो गए, पर थोड़ा विचार करना, हम राज्जी को रिझाना चाहते हैं ना, प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो रसोई में भी खड़े खड़े हम प्रसन्न कर सकते हैं राज्जी। जो माताएं बहने आटा लगाते हुए सब्जी सुधारते हुए पिया के विरह में कुछ वाणी का गायन करती रहती हैं, पिया के विरह में कुछ भजन सुनाती रहती हैं, राज्जी कहते हैं तेरा थाल कब आएगा जो रस से भर लोगे। अरे तूने पूरी मेथी सवारी, पूरे मटर निकाले, पूरा छोलिया निकाला है, धनिया सवारा, इस धनिया के अंदर तो मेरे नाम का रस भरा पड़ा। जल्दी खाली रखते हुए ध्यान नहीं करना पड़ता, अपने आप बैठे धनी जल्दी से खाएंगे क्योंकि उसने आप भर के क्या ले आए। और अगर सब्जी सवारते हुए सामने टीवी चला लिया, इधर मिर्ची तोड़ते रहे, धनिया तोड़ते रहे और सीरियल देखते रहे, छोलिया निकाला या मटर निकाले और सामने उस सीरियल को देखते रहे, तो उसमें क्या भरा हुआ। तो हम क्या करें, धनी को रिझाने के लिए, धनी को रिझाने के लिए सबसे सुंदर साधन है, क्योंकि भजन के अंदर सुरता लग ही जाती है। कभी कभी माला फेरते हैं, सुरता कहाँ होती है, माला फेर रहे होते हैं और माला फेरते फेरते अगर लाइट ना हो, अंधेरा ना हो, तो हाथ लगा के देखते हैं कुमर का है, कितनी दूर है, कितनी माला रहेगी मेरी और करने वाली, और नहीं तो देखते रहते हैं कि कितने मोती और रहेगा। माला फेरते तो माला में कौन सा मन लग रहा होता है, हम तो भजन की लाइन में कहते हैं, माला फेरी ते माने नो चोट न लगी, ओ की माला फेरी
माला फेरी ते माने नो चोट ना लगी औकी माला फेरी ते अंदर वाली पैर ना गई औकी माला फेरी ते अंदर वाली पैर ना गई औकी माला फेरी और तेरा मन है अंदरों काला जाऊं मुझे तो बाद में पता लगा मैं तैयारी कर ही रहा था मुझे बाद में पता लगा कि माला के फूमन का इंतजार कर रही थी मेरा नहीं कर रही थी इसकी तो माला पूरी होती गई इतने मत्था टेका ये चली गई। अरे मैंने सोचा मेरा इंतजार कर रही किसका इंतजार होता है अब पांच रह गए अब चार रह गए अब तीन अब दो अब एक माला रखी चलो हो गई किसके लिए बैठे थे माला करने के लिए धनी को पाने के लिए तो धनी को पाने के लिए बैठे तो समय का दस बार देखा कितनी रहेगी कितनी रहेगी और फूमन को इतना मोटा लगाते माला में कहीं वो निकल ना जाए बोलिए श्री प्रांगा तैयारी की है। तो कहते सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने एक तरीका ये बनाया था धनी को रिझाने का भजन गा गा के संगीत में इतनी पावर है चलते हुए लोग सड़क पे रुक जाते हैं जब भजन चल रहा होता है आप निरम करके बैठे तो मेरा मुंह रुक जाता है जब भजन चल रहा होता है चलते हुए लोग रुक जाते हैं सड़क पे क्यों रुक जाते हैं भजन में कितनी ताकत है और भजन पे क्या कर सकते हैं हम श्री राजी महाराज को बस में कर सकते हैं इसलिए जब भी मंदिर में भजन गाया जाए कीर्तन किया जाए तो दिल खोल के ताली बजाया करो बाबा रामदेव ऐसे तालियां बजवाते हैं उसका क्या मतलब और सारे पालों के बैठ के सुन रहे तालियां बजा रहे होते हैं घास पे चलते हुए मंदिर में बजा लो कुछ मिलेगा तो सही कहाँ बजाओ ताली धनी के लिए ताली बजे
जब धनी के लिए ताली बजती है ना तो धनी प्रसन्न हो जाते हैं। धनी कहते हैं किसकी हाथों की रेखाओं को तो मैं बदल के छोड़ूंगा, क्योंकि किसके हाथ सदा मेरे लिए बजते रहते हैं। तो क्या बदल जाएंगी? हाथों की लकीरें बदल जाएंगी। और जब जयकारा लगाते हैं तो जयकारा नहीं लगाते सारे दिन। और वंदना बोल रही थी दुकड़ जी में थी मैं, पर मैंने श्री जी को कहा देखो ये जयपुर के सुंदर सा इतनी बातें कर रहे हैं, इनको कल बताया था कि गुम्मर जी में सोता लेके जाया करो, पता नहीं ये क्या क्या बातें कर रहे थे, पर मैंने आपकी बात वहां कह दी थी। मैंने कहा देखना श्री जी साहेब जी देखना इधर बोल रहे हैं कब सिखाया था कल बताया था कि किसकी वंदना हो रही है और ये वंदना क्या कर सकती है, अशुभ कर्मों का हरण कर लेगी और मंगल घड़ियां प्रदान करेगी। पर यह सारे बातें कर रहे होते हैं जब वंदना हो रही होती है। जयकारा बोलो तो जयकारा नहीं बोलते। पाप ने एक बार गोविंद से पूछा कि मुझे कोई ठिकाना बताओ, पाप कहे गोविंद को मुझको ठौर बताओ, और उन्होंने कहा जो चर्चा में जयकारा ना बोले उनके हृदय बैठ जाओ। बोलिए श्री प्रारे की कहते पड़ोसी बोल रहा हूँ साथ वाला नाम बोल रहा हूँ उसके हृदय में बैठ जाना है। जगह दी है गोविंद ने दी है, मैंने नहीं दी, गोविंद श्री कृष्ण ने दी है कि जो जयकारा ना बोले एक बोल रहा हूँ साथ वाला नाम बोल रहा हूँ साथ वाले के विकार निकल के उसके अंदर चले जाएंगे। पाप को स्थान दिया कि वहां बैठना, क्योंकि जयकारा बोलने से क्या होता है किसी पेड़ के नीचे आप जयकारा लगाओ जितने पक्षी बैठे होंगे सब उड़ जाएंगे। श्री जी कहते हैं जब वाणी चर्चा के अंदर जयकारा लगाया जाता है अंतःकरण के सारे विकार अंदर से खत्म होते हैं, क्योंकि किसकी जय बोली? एक नेता की जय बोलते तो नेता उसके लिए कितना कुछ करता है, भीड़ उसके पीछे जाती है, जय जय करते हो तो फिर वो नेता उसका ध्यान रखता है। अगर प्रेरणा जी की जय जय करेंगे तो प्रेरणा जी हमारा ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो हम हमेशा बोले जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू Oh!
जी महाराज को समझा समझा के रह गए घर के, बहुत शिक्षा दी, क्योंकि उनके मन में एक ही बात रहती है, मन में खटपट रहे और दुनिया से रहे बैर। घर के अंदर खटपट क्यों है? क्योंकि माता पिता कहते हैं कि इससे ज्यादा इसको लगन ज्यादा हो गई तो ये बंबई बन जाएगा, साधु बन जाएगा। वो सारा दिन समझाते हैं और अड़ोसी पड़ोसियों को बुला लिया समझाने के लिए, रिश्तेदारों को कहा इनको समझाओ, लेकिन देवचंद्र जी किसी की बात नहीं मानते। देव जी का पर मोहतट करता थके सब कोए, एक फिराए जो फिरे कहे समझावे सोए। सब शिक्षा दे दे के रह गए, सब समझा समझा के रह गए, लेकिन देवचंद्र जी किसी की बात नहीं मानते। श्री देवचंद्र जी के मन में मैं जाऊं कहूं विदेश, कहां जाए के खोज कर लूं कोई मोहे दे उपदेश। देवचंद्र जी के मन में तो एक ही बात है कि मैं विदेश जाऊं, कहां कच्छ देश के अंदर जाना चाहते हैं और कोई मुझे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए समझा दे, उसका कोई मुझे दिदार करा दे। तो देवचंद्र जी महाराज सभी से पूछते थे कि कोई कच्छ जाने वाला है, पूछते ही रहते। एक दिन किसी ने बता दिया कि उमरकोट का जो राजा है ना, उसके राजकुमार की शादी है और राजकुमार की शादी है तो वो जाएंगे कच्छ में। देवचंद्र जी को पता लगा, देवचंद्र जी महाराज उस राजा के पास गए, वजीर के पास। उस वजीर को जाके कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप कच्छ जाओगे। उन्होंने कहा हाँ जी जाएंगे। तो क्योंकि तब समय कैसा था, जंगलों में डाकू रहते थे और लुटेरे रहते थे, किसी को पता लग जाए कि राजा के बेटे की शादी है और बारात जा रही है तो वो डाकू लोग तो पहले से तैयारियां कर लेते थे। तो उस समय क्या करते थे, जो राजकुमार अपने हाथ में अपनी तलवार रखता था ना, उस तलवार के साथ फेरे करवा के ले आते थे और घर आके फिर विधि विधान से शादी करते थे। तो इधर पूछा देवचंद्र जी ने, तो उस मंत्री ने कहा कि हाँ हम कच्छ जाएंगे। तो देवचंद्र जी महाराज बोले मेरे को भी जाना। तो बोले उनको पता था लाल दास है मंत्री का नाम, मंत्री का नाम है लाल दास। उस लाल दास मंत्री ने कहा कि भाई आप कैसे जाओगे? तो बोले मैं आपके साथ। देवचंद्र जी महाराज के बारे में लाल दास मंत्री को पता था, सारे उमरकोट गांव को पता था कि इनका बच्चा साधु बनना चाहता है और घर से निकलना चाहता है, उसका घर में मन नहीं लगता, सारे उमरकोट गांव को ये बात पता थी। तो कहते हैं उस समय देवचंद्र जी को जब उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 200 घुड़सवार हैं, ऊंट हैं, बैलगाड़ी हैं, रथ हैं, आपके पास क्या सवारी है? उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई सवारी नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो इधर उस लालनाथ मंत्री ने पता क्या किया, ये संदेशा देवचंद्र जी के घर में पहुंचा दिया कि आपका बेटा हमारे साथ कच्छ में जाना चाहता है, ध्यान रखना मैंने तो मना कर दिया, अभी मेरे साथ मत आओ, ठीक है, पर ये निकलेगा। सावचेत कर दिया कुंवर भाई माता जी को और मतु मेहता जी को। तो मतु मेहता कुंवर भाई जी को लगा की बारह साल जानिए, ये उन्होंने कहा हमारे पास आया था, हमसे बात करके गए और कहता मैं आपके साथ जाऊंगा, मैंने मना कर दिया और आप अब ध्यान रखना। तो इधर देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, उन्होंने तब पूछा उनने क्या कसवारी तुम्हारे, हम कल क्यों पहुंचोगे प्यादे कसवारों के। उन्होंने पूछा क्या सवारी है और पैदल हमारे साथ कैसे पूछ चलोगे। तब कहा श्री देवचंद्र जी हम चले आएंगे, तब पुण्य बजे जिन आओ संग हमारे। उन्होंने कहा देवचंद्र जी ने कि मैं पैदल ही आऊंगा। तो वो लालनाथ मंत्री कहता है कि फिर हमारे साथ नहीं आना, क्योंकि जंगल पड़ता है घनघोर जंगल और घनघोर जंगल में से हम तो निकल के जाएंगे और ये कितने साल का बच्चा है, अभी 16 वर्ष की आयु है और इतना छोटे बच्चे को हम कैसे लेके जाएं। तो तब श्री देवचंद्र जी विचारिया मैं काहे पूछो इन्हें, पीछे चला जाऊंगा अपने पांवों से। देवचंद्र जी मन में विचार करते हैं मुझे क्या जरूरत थी मंत्री के पास जाने की और पूछने की, मैं तो पैरों से पैदल चल के ही इनके पीछे पीछे चला जाऊंगा।
घरों जाए के साथ को राखी लेने लगे, खाली कटोरा भांडा और लोटा जल के अब घर जाके तैयारी करने लगे। एक कढ़ाई ले ली, एक लोटा ले लिया, एक थाली ले ली और एक बगूचा बांध लिया, थैले में सामान रख लिया और कमर में नीचा जिसको कहते हैं वो उधर पटका, वो एक कमर में कपड़ा बांध लिया और उस कपड़े में छोटी एक कटार भी रख ली, तलवार भी रख ली। अब प्रियोजनक जी महाराज इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर लिया, बांध के रख लिया कि जब बारात निकलेगी मैं तब चला जाऊंगा। और इधर लालदास जी बता के गए थे कि हमारी बारात के साथ आने वाला, तो बिल्कुल आगे रोज सो जाते थे। आज वो मतु में कुंवर भाई दोनों बातें कर रहे हैं और बैठे भी गेट के आगे है, वहां बैठ के बातें कर रहे हैं। अब देवचंद्र जी निकले तो कैसे निकले, अब देवचंद्र जी ने देखे भाई देर होती जा रही है, अब ये दोनों तो उठ नहीं रहे और मैं कैसे जाऊं, तो इतनी देर में क्या होता है बारात निकल जाती है। अब गांव के अंदर पता लग जाता कि बारात गई, बैंड बजे बारात निकल गई। जैसे ही पता लगा बारात गई तो माता कुंवर भाई घर का काम करने लग गई और पिताजी अपने काम को चले गए। इतनी देर में देवचंद्र जी महाराज दौड़ के घर से अपनी गठड़ी उठाते हुए थोड़े कपड़े रखे थे और थोड़ा सामान और थोड़ी सी खर्ची, तो ये सब रख के और देवचंद्र जी महाराज चले जा रही है। कहाँ पे कहते चले उस उतावले मने पहुँचो भाए, वे अतवार क्या दे क्योंकर पहुँचे जाए। चले अति उतावले, देवचंद्र जी महाराज दौड़ने लग गए क्योंकि 16 वर्ष के ना, दौड़ते हुए क्या है दौड़ लगाने लग गए कि अभी गई है बारात, थोड़ी देर पहले गई है ना, मैं दौड़ के उनके पीछे चला जाऊंगा। यो करते चले गए, बीच में पड़ी आई रात, ए मुलक रहती का किसको करे बात। दौड़ते दौड़ते सांस चढ़ गया देवचंद्र जी को और आधी रात का समय हो गया, तेज अंधेरी चल रही है। अब आधी रात का समय हो गया, तेज अंधेरी चल रही है और जंगल में शेरों के दहाड़ने की, पशुओं के दहाड़ने की आवाजें आ रही हैं। अब देवचंद्र जी महाराज जब दौड़ते दौड़ते घबराहट होने लगती है, हाँफ जाते हैं एकदम, तो कहते हैं कैसी अंधेरी चल रही थी। हम लोगों ने गांव देखे हैं, गांव के अंदर क्या होता था, बड़े बड़े रेती के टीले, एक ढेरी दूसरी ढेरी में कब लग जाती थी, जब तेज आंधी आती थी तो पता ही नहीं लगता था। लालदास जी महाराज कहते हैं तूफान इतना तेज है कि देवचंद्र जी की आंखों में रेती पड़ गई है बिल्कुल, और देवचंद्र जी महाराज जंगल में अकेले खड़े हैं बिल्कुल बिल्कुल अकेले और आंखें खुल नहीं रही और बीचा कोई दिख नहीं रही, मैं किधर जाऊं कहां से देखूं, काली अंधेरी रात और तेज आंधी तूफान, उसके अंदर श्यामा जी महारानी जंगल के अंदर खड़ी है और पेट के अंदर दर्द होने लगता है। जैसे ही पेट में दर्द हुआ श्री राजीव महाराज ने परम धाम से देखा, अरे मेरी आनंद श्यामा महारानी मुझे ढूंढने के लिए अकेली चल पड़ी है, कोई साथ नहीं लेके गया मंत्री, कोई सवारी नहीं है, वो तो ऊंट घोड़ो रथ पे गए हैं और मेरी श्यामा महारानी समय इतने बड़े जंगल के अंदर, शेर दहाड़ रहे हैं, श्यामा जी को डर लगा कि इतने बड़े बड़े शेर दहाड़ रहे हैं, किधर से आवाजें आ रही है, इतना कप कपी होने लगी अंतस्करण के अंदर। राजी महाराज दौड़े चले आए क्योंकि देवचंद्र जी को लगा अब जंगल में चोर आ जाएगा, अभी मेरे जो कपड़े में घर से लाई हूँ सामान लाई हूँ ये वो लूट लेगा, अभी वो लूट लेगा मुझे मार देगा, अभी कुछ चोर आएंगे डाकू आएंगे, अब मैं क्या करूं। बस इतनी सी आवाज निकली श्यामा जी की और राजी महाराज ने एक फल भी नहीं लगाया, एक क्षण भी नहीं लगाया, कहते हैं एक फल भी था न गुजरा आपसे बिछुड़े हुए, एक फल भी था न गुजरा आपसे बिछुड़े हुए, तुरंत था आपकी।
अर्श की खिलवत भुलाकर आई हूँ आपकी। अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की। अर्श की खिलवत भुलाकर आई हूँ। एक पल भी था न गुजरा आप से बिछड़े हुए। अभी घर से श्यामा जी निकली हैं क्योंकि शाम तो हो गई थी, संध्या हो गई थी और जंगल के अंदर बड़े दौड़ते दौड़ते तो रात हो गई। श्री राजी महाराज ने परम धाम से देखा कि मेरी श्यामा जी महारानी मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। सचिव महाराज ने कहा ये किससे डर रही है? चोर से। तो फिर मुझे क्या करके जाना चाहिए? सिपाही। सिपाही आ जाए तो फिर चोर को डर खत्म हो जाता है कि सिपाही आ गया। तो राजी महाराज ने हुक्म के स्वरूप ने सिपाही का भेष धारण किया। कैसा भेष? सिपाही वाली ड्रेस पहनी हुई है और दाढ़ी रखी हुई है और बर्छी है, भाला है, तलवार है और वो सिपाही वाला भेष श्री श्यामा जी महारानी के सामने दूर से देखा। देवचंद्र जी ने कि ये तो कोई चोर आ रहा है, ये कोई डाकू आ रहा है। परम धाम के अंदर जी बहुत हंसेंगे, श्यामा जी के साथ बहुत मजाक करेंगे कि बड़ा पहचाना था मेरे को है। मैं तो दौड़ के आया सिपाही बन के, मैं तो दौड़ के आया बर्छी लेके तलवार लेके कि मेरी श्यामा जी को डर लग रहा है, मैं जल्दी से सिपाही बन के जाऊं। और इसने नाम मुझे क्या दे दिया था मां? चोर। अगर की सिपाही है, भेष सिपाही का है, दौड़ के आए हैं क्योंकि परम धाम के अंदर श्री राज जी महाराज ने साबित भी तो करना है कि मैं आपका आशिक हूँ। तो श्यामा जी महारानी कहेंगी आप आशिक कैसे हो? आशिक हो तो मैं तलवार बच्ची लेके क्यों आए थे? सीधे आते। तो देवचंद्र जी को, श्यामा जी को राज जी महाराज परम धाम में कहेंगे तो क्यों कह रही थी चोर आ जाएगा, डाकू आ जाएगा, मुझे लूट लेगा। तो चोर डाकू के लिए तो मैं सिपाही बन के मुझे जाना था ना, मैं तेरे लिए बच्ची लेके आया था, तेरे लिए फला लेके आया था, तेरे लिए तलवार लेके आया था क्योंकि मैं तेरा आशिक हूँ ना। आशिक कहाँ देख सकता है कि मेरी मातुका जंगल में खड़ी होकर रो रही है। अब राज जी महाराज ने आशिक क्या दिखाई? अब पूरी लीला में आशिकी दिखाएंगे, हर कदम पे देखते जाना राजी महाराज की आशिकी। पहले हमें छोटी सी लीला सुन ले कि ऐसा क्यों हुआ श्यामा जी के साथ। वाणी के अनुसार परम धाम के अंदर जब हम रास लीला पहले खेल रहे थे तो रास लीला के अंदर खेलते खेलते हमने एक दिन आठ मिचोनी की रामक खेली वाला जी के साथ। श्यामा जी ने कहा बालाजी को कि बालाजी आज हम सारे आठ मिचोनी की रामक खेलते हैं। श्री इंद्रावती जी ने कहा पर पट्टी मैं मानूंगी आपको, फिर ये मेरा निर्णय। राजी महाराज मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधूंगी, आठ मिचोनी रामक गर्दा के पढ़ना रात ग्रंथ में। कैसी आठ मिचोनी की रामक है और देखना कौन सी रामक कहाँ पे कैसे घटित होती है, ये लीला है। अब श्री इंद्रावती जी ने बालाजी की आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी और काली पट्टी बांध के बालाजी को पूछने लगी ये कितने हैं? बालाजी ने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नीचे होके इंद्रावती जी ने देखा, ऊपर होके देखा कि ये बालाजी है ना ये कहीं से भी देख सकते हैं, साइड से देख रहे, पट्टी को भी बार बार देखते भी ठीक बंदी हुई है कि नहीं। अब के पट्टी बांध के बालाजी को ये पहले कह दिया था कि बालाजी मैं आपको पकड़ के पूरा घुमा के चक्री घुमा के छोड़ूंगी, फिर हम सब सखियां वनों में छुप जाएंगी और फिर आप हमें ढूंढने के लिए आना। बालाजी ने कहा ठीक है। श्री इंद्रावती जी ने सारी सखियों को सिखाया कि एक भी घुंघरू नहीं बजने देना, पायल नहीं बजने देना, चूड़िया नहीं बजने देना, ये बालाजी के कान के पर्दे बड़े पतले हैं, अगर जरा सा भी कहीं से घुंघरू भी बजाना, चूड़ी भी बजी ना, ये वहीं आ जाएंगे। और एक बार अपने पर दाव आ गया ना, बारी अपनी आ गई, अपने बालाजी को कभी नहीं पकड़ सकेंगे और ये कभी हाथ में आने वाले नहीं है। तो बारी दाव अपने पर आना नहीं चाहिए,
कितना ध्यान रखना, तो सखियों ने सारे अपने आभूषण ऊपर चढ़ा लिए, चूड़ियां ऊपर चढ़ा ली, अपने गले वाली मालाओं को अंदर डाल लिया और कस के कोई आभूषण ना बजे ऐसे सारी की सारी वनों में जाके छुप गई। अब बालाजी को गोल गोल घुमा के इंद्रावती जी ने कहा, चलो बालाजी आ जाओ ढूंढने के लिए। श्री इंद्रावती जी ही सारे प्लान करती है परमधाम में, कौन सी रामत खेलनी है, कितनी राम से आएंगी भीतर में भी, कौन सी रामत खेलनी है, इसका प्लान कौन करती है, श्री इंद्रावती जी। बालाजी को बिचारे बालाजी सीधे से बोले वाले, एक तो बिचारों की आंखों से पट्टी बांध ली, एक बेचारे अब सोचते मैं किधर को जाऊं, ये सखियां पता नहीं कहां छुपी होंगी। बालाजी ना ऐसे ऐसे वनों में हाथ मार रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही, सन्नाटा है बिल्कुल, पत्ते की भी आवाज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, सुनसान लग रहा है बिल्कुल। बालाजी कभी इधर हाथ मारते हैं, कभी इधर हाथ मारते हैं। श्यामा जी ने थोड़ा पेड़ों के पीछे से देखा बालाजी को, हाय बालाजी देखना क्या काम हाथ मारे जा रहे हैं, कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। श्यामा जी को बड़ा तरस आ गया, श्यामा जी महारानी बल से निकली और बल से निकल के हरजी महाराज के आगे खड़ी हो गई। हरजी महाराज ने जैसे श्यामा जी की कमर में हाथ डाला और बोले पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। श्यामा जी कहती है कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, मैं निकल के आई हूँ आगे आई हूँ, पकड़ लिया आपने, शोर मत मचाओ अल्लाह मत मचाओ, इतनी देर हुई ऐसे ऐसे कर रहे थे, कोई मिली हो जाएगी तो मेरे को दया आई है, मैं बाहर निकल के आई हूँ, अब ऐसे करो ये पट्टी मेरी आंखों पे बांध दो और अब मैं ढूंढती हूँ। बालाजी ने कहा नहीं श्यामा जी वापिस छुप जाओ, मैं आपके बदले में भी बाली दे देता हूँ, ये सखियाँ बड़ी चलाक हैं, ये हाथ में मेरे हाथ में नहीं आ रही, आपके हाथ में घोड़ी आएंगी। तो बालाजी ने श्यामा जी को कहा आप छुप जाओ वापस छुप जाओ। श्यामा जी कहती है नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे को ढूंढना नहीं आता, आपका मन करे वहां छुप जाओ मैं आपको ढूंढ लूंगी, जहाँ दिल करे वहां छुप जाओ। बालाजी ने समझाया श्यामा जी मैं बारी दे देता हूँ आप छुप जाओ। कहती है नहीं आपने मैं। तो बालाजी ने कहा कि ठीक है कह रही है आप जहां मर्जी छुप जाओ मैं आपको ढूंढ लूंगी। तो ठीक है ये खेल में बात हुई है ना, वहां पे सखियों ने क्या देखा कि राजी ने श्यामा जी को ढूंढा है और श्यामा जी ने राजी को ढूंढा होकर से अरे वाह सारी बात निकल के आई, हम पागल है दूसरी तरह से वहां छुप के बैठे हैं, ये तो आपस में खेले जा रहे हैं। बालाजी ने कहा श्यामा जी आज आपने मेरा कहना नहीं माना, आपने मुझे खेल में फिर एक बार चैलेंज कर दिया कि आपका दिल करे वहां छुप जाओ और मैं आपको ढूंढ लूंगी, लेकिन श्यामा जी आज मैं फिर आपसे कहता हूँ जब तक मैं खुद आपके सामने नहीं आऊंगा तब तक आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगी खेल के अंदर। हरजी महाराज ने वहां कह दिया कि खेल के अंदर ढूंढ के दिखाना मेरे को, जितने भी जप करना तप करना ध्यान करना पर जब तक मैं खुद चल के नहीं आऊंगा तब तक तुम मुझे ढूंढ नहीं सकेगी, क्योंकि तुमने मुझे वहां चैलेंज दिया था रास के अंदर कि मन करे वहां छुप जाओ मैं आपको ढूंढ लूंगी। राजा जी कहते चलो आज श्यामा जी ढूंढने के लिए निकली, राजा जी ने कहा लिए श्यामा जी कहां ढूंढ सकती है, दौड़ के आ गए कहां से परमधाम से, किस वेश में आ गए सिपाही के वेश में, क्यों आए, अगर आज नहीं आते तो परमधाम के अंदर जाके श्यामा जी कहती कैसे राशि को मेरे जंगल के अंदर पेट में इतना दर्द हो रहा था, मेरे प्राण निकल रहे थे, कितने बड़े बड़े पशु पक्षी जानवर की ऐसी आवाजें आ रही थी, कितना डर लग रहा था, आज ही थे तो वहां आते ना, और अगर हरजी महाराज श्यामा जी महारानी की 14 साल की भागवत सुनने के बाद आते तो फिर आज की कैसे कहलाते हैं। और हरजी महाराज ने कहा श्यामा जी ने अभी बंदगी स्टार्ट भी नहीं करी, अभी खोजने जा रही है, उससे पहले मैं उसको मिल रहा हूँ तो मैं श्यामा जी का आशिक हूँ, क्योंकि अभी तो शुरुआत होने जा रही है, अभी तो जब तक ध्यान सब शुरू होगा, इससे पहले श्यामा जी महारानी के लिए श्री राजी महाराज कहाँ आ गए, जंगल के अंदर कैसा वेश बना के सिपाही का वेश बना के, और आपके राजी महाराज ने सिपाही के वेश में कहा
कि ये गठरी दे दो मेरे को और ये तलवार भी दे दो, ठीक है। और अपना पटका खोला राजी महाराज ने, नीचे बैठा बिठा दिया और देवसुंदर जी को कहा कि यहाँ लेट जाओ। जैसे देवसुंदर जी लेटे तो श्री राजी महाराज ने एक जांघ के ऊपर अपना पूरा भार दिया और पूछा पेट का दर्द कैसा है। देवचंद्र जी कहते मैं तो सोच रहा था कि ये मेरे को मार देगा और मारेगा नहीं तो घर जाके क्या कराएगा, अपनी गुलामी कराएगा, नौकरी कराएगा, पर मैंने तो ये तो बताया नहीं कि मेरे पेट में दर्द है। और इन्होंने ये झटके से मुझसे पूछा कि पेट का दर्द कैसा है। देवचंद्र जी सोचा तो सही पर कहीं मिल गई। फिर उन्होंने कहा कि इस साइड में थोड़ा सा और है, फिर और सिपाही के भेज श्री राजी महाराज ने दूसरी जान पे भी थोड़ा अपना ख्याल रखा, पूरा भार दिया। फिर पूछा कि अब पेट का दर्द कैसे है, तो उन्होंने कहा अब बिल्कुल ठीक है। तो देवचंद्र जी उठ के खड़े हुए और जो पटका राजी महाराज ने नीचे बिछाया था ना अपनी कमर का पटका, वही राजी महाराज ने कमर का पटका, अपनी कमर का पटका देवचंद्र जी को बना दिया। देवचंद्र जी ने वो पटका बांध लिया, वो हुकम रूपी पटका था, उसके अंदर सारी परम धाम की शक्ति थी। क्योंकि राजी महाराज जिस चाल से चलेंगे बनाकट पहुंचने के लिए, तो देवचंद्र जी राजी के साथ तो नहीं चल सकते ना, इतनी तेज रफ्तार उनकी तो नहीं हो सकती ना, तो हुकम रूपी पटका बना दिया। और फिर क्या ले ली, देवचंद्र जी की गठरी ले ली और गठरी कहाँ रख ली, अपने कंधे पर। इसका भी महत्वपूर्ण अंत है, क्या है कि जब परम धाम की आत्माएं जागरी के मार्ग पे चलती हैं, श्री राजी महाराज कहते हैं उनका दुनिया का बोझ सारा मैं अपने कंधे पे रख लेता हूँ और तुमको हुकम रूपी पटका बंधा देता हूँ, योग माया का तन धारण करा देता हूँ, जिससे वो सुबह भी दौड़ के भीतर सुन लेती हैं, शाम को भी दौड़ के चली आती हैं। देवचंद्र जी को पटका दिख गया था, एक वो पटका मेरा बांधा हुआ दिखता नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ। अब वो पटका बना दिया, अब देवचंद्र जी राजी महाराज डरने लगे कि देवचंद्र उससे पेट का दर्द तो ठीक हो गया, मुझसे कुछ भी न लेगी, कौन हो आप, क्योंकि हर कोई पूछ लेता कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। और राजी महाराज बड़े चला बहुत होशियार, राजी महाराज ने जैसे उठाया उससे ही उन्होंने अपनी मिट्टी झाड़ी, उठ के खड़े हुए, पटका मान दिया राजी महाराज ने अपने हाथों से, पटका बांध दिया तो चलने लगे। और चलते हुए हम क्या पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। देवचंद्र जी का प्रश्न क्या था, मैं कौन। और देवचंद्र जी अपने प्रश्न ही भूल गए, जबकि राजी वही पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो देवचंद्र जी कहते मेरा नाम देवचंद्र। और ये बात कुंवर भाई माता जी से पूछते थे कि मैं कौन हूँ, तो कुंवर भाई माता कहती थी तू मेरा लाडला बेटा देवचंद्र है। कहते थे मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे भी पता है कि मैं देवचंद्र, मैं जो पूछता हूँ वो बताओ मैं कौन हूँ। तो माता कहती थी तू कौन है, मेरा बेटा देवचंद्र। गोद में लेते गुस्सा आ जाता था देवचंद्र जी कि एक ही बात तू देवचंद्र। और आज राजी ने आके कोई बात पूछी कि तुम्हारा नाम ही क्या है, तो बड़ा बोले मेरा नाम अभी पूछ लेते मुझसे मैं कौन हूँ तो बता देते राजी महाराज। लेकिन अभी तो पूरा खेल बनाए होंगे ना, पूरी रील चलनी है ना। राजी महाराज को इतना डर लग रहा था कि बीच में देवचंद्र कोई प्रश्न ना पूछ ले, और पूछ लिया तो मैं फंस जाऊंगा। क्यों, क्योंकि झूठ मैं बोल नहीं सकता, मैं पूरा ब्रह्म हूँ, मैं तेरी राज हूँ, मैं अक्षरातीत हूँ और ये श्यामा जी ने मेरे सामने कही और ये मेरे को परम धाम में ही छोड़ेगी नहीं जाके कि आपने मान जाके भी मुझसे झूठ बोला है। तो राजी महाराज कहते अच्छा तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। कहते मेरे पिताजी का नाम भक्तू मेहता है, माता जी का नाम कुंवर भाई है। अच्छा कहाँ रहते हो, कुंवरकोट गांव में। राजा कहता है कहते बहुत अच्छा है, उसका मंत्री कहता है बहुत अच्छा है, कैसा व्यवहार है उसका प्रजा के साथ बहुत अच्छा है। और बातें करते गए चलते गए चलते गए चलते चलते प्रातः काल होने वाली हो गई, क्योंकि हुकम रूपी पटका पता ही नहीं लगा अभी वो बाराती पहुंच गई है। ये पैदल पे और बाराती घोड़ों पे गए हैं, बैलगाड़ियों पे गए हैं, रथ पे गए हैं और ये पैदल है अभी जा रहे हैं। वो भी तैयारी कर ही रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, अपने टेंट वगैरह लगा रहे हैं जहाँ उन्होंने रुकना है। तो जाके जैसे पहुंचे तो देवचंद्र जी को रास्ते में थोड़ी सी दूरी पहले कह दिया कि ये ऐसे करो, ये
वो पटका मेरे को देना, ये मेरे वाला पटका। तो देवचंद्र जी ने कमर में से पटका खोल दिया, दे दिया, और श्री राम जी ने वो गठड़ी उतारी और देवचंद्र जी को दे दी। और गठड़ी और तलवार देवचंद्र जी को देके और पटका अपना लेके और कहते हैं वो जो सामने हो ही नहीं है तुम्हारी बारात है, तो सामने देखने लगे देवचंद्र जी की, हाँ ये वो ही है बराती है वो ही। सामने देखने लगे, इतनी देर में पीछे मुड़ के कहने लगे कि हाँ ये वो ही है। इतनी देर में वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया, बोलो श्री कांडा। और कहते हैं कि जैसे ही वो स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है तो कहते हैं पेड़ के एकता विचारिया मेरे एकों है सिर पर। अब देवचंद्र जी महाराज के सामने जैसे ही वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया तो कहते हैं माँ तो कछु ना देखी कौन कहाँ गयो के, इस एक मेरा कमल किया विलाप विलास करते। ब्रजभूषण जी कहते हैं देवचंद्र जी वही बैठ गए, इतना निर्लाप किया उस स्वरूप को याद कर करके कि मेरे मालिक मेरे प्रीतम मेरी आत्मा के धनी जंगल में ही आ पा गए थे और सारे रास्ते सारी रात मेरे साथ रहे और मैंने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की। कितनी देर तक बैठ के वहाँ विलाप करते हैं, रोते हैं और फिर कहते हैं फिर के कैसा विचार या मेरे के तो है सिर पर। फिर विचार किया कि जो आज आए हैं वो मेरे सिर पे खड़े हैं, वो अलग नहीं है मुझसे है, जहाँ कहूँ मैं डालू ये छोड़े नहीं क्योंकर। अब मैं कहीं भी जाऊँ मेरे प्रीतम मुझसे अलग होने वाले नहीं है। बोलिए श्री प्रेमनाथ, ये तो तय ठीक हुआ धनी है मेरे हाथ जल, भले अब कहाँ जाएंगे ये खोज लेऊं इन पर। कहते आज निश्चित हो गया कि मेरे राजी महाराज मेरे लिए हाजिर हजूर हैं, अब कहीं भी जाएंगे मैं इनको ढूंढ लूंगा। कहते हैं ओ क्या कहना है मेरे पिया तुम जब हो साथ मेरे, क्या कहना है मेरे पिया तुम जब हो साथ मेरे। हम तो कहें भी तुम्हीं से सब कुछ पाया करते जब साथ में।
मंत्री ने देखा और उन लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो देवचंद्र जी ने कहा मैं देवचंद्र हूँ। तो वो उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए, क्योंकि वो लालनाथ मंत्री को पता था कि इनके पास सवारी भी नहीं थी, ये कह रहे थे कि मैं पैदल आऊंगा, तो कहते तुम कैसे पहुँच गए? तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं हवा की तरह उड़ता हुआ, हवा के साथ उड़ता हुआ आ गया। झूठ भी नहीं बोला, क्योंकि राजी महाराज की कृपा रूपी हवा उनको उड़ा के ले आई कहां पे, बारात के साथ। तब उनका इंतजार ने रसोई का किया आदर, चाहो तो सीधा ले हो या आओ रसोई पर। उसका इंतजार ने कहा कि अच्छा फिर अब भोजन यही करना, अब आ ही गए हो तो आपका मन करे तो रसोई बन के तैयार हो रही है वो भोजन कर लो, और या मन करे तो आप सीधा ले लो। तब सीधा दिन का लिया करी रसोई, तब जाप रूप को दर्शन पायो तो ताको रसोई मर गई। तब फिर उनके उनसे देवचंद्र जी ने कहा मैं लेके आया हूँ घर से, फिर वो माने नहीं तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा चावल दाल आटा उनसे ले लिया और देवचंद्र जी महाराज ने अपने हाथों से रसोई बना के तैयार की, और जो सिपाही भेष में जिनके दर्शन किए थे उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें भोजन अर्पाते हैं और फिर उसके बाद प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेके पोड़ रहे फिर के उठे जब उठ के गए चल को हुए त्यार, सब ऐसे प्रसाद लेके सबने विश्राम किया। क्यों? क्योंकि दोपहर के टाइम बहुत धूप होती थी, इसलिए वो लोग जंगल में दोपहर के टाइम दोबारा नहीं निकले। जब शाम होने को आई तब वो सारे लोग उठे और उठ के उन्होंने अपनी तैयारी की। तो कहते हैं कि तब उनका इतने अपने लोगों को तो एक ऊंट पर सवार कैसे शामिल हो उनमें, और उसने कहा अपने सरदार ने मंत्री ने कहा कि आप ऊंट के ऊपर कितने लोग हो? तब उन्होंने उत्तर दिया हमने गए चार। तब कहा पांचवा के तुम शामिल करो सवार। उन्होंने कहा कि हम ऊंट दो ऊंट हैं और दो ऊंट के ऊपर हम चार जने हैं। तो उस सरदार ने कहा कि पांचवा श्री देवचंद्र जी को भी आप अपने साथ ले लो। इन पांच देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने खोर आप लगे खोज में। इस प्रकार देवचंद्र जी महाराज कच्छ देश के अंदर पहुंचते हैं और बराती लोग अपनी बारात के साथ चले गए, अपना काम करने के लिए चले गए और देवचंद्र जी महाराज खोज के लिए निकलते हैं। श्री मामत कहने साथ जी के देवचंद्र जी की भी तक अब खोज करेंगे सोए बाका मुद्रक। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि सुंदर साक्षी ये भीतर बहुत महान है, क्योंकि ये किसकी भीतर है?
आनंद अंग श्यामा जी महारानी इस ब्रह्मांड के अंदर जब चल के आई तो ब्रह्मांड के अंदर आके उन्होंने प्रीतम को ढूंढते ही अपना पूरा जीवन कहां तक 40 वर्ष की उम्र पूरी लगा देते हैं। कब चले थे? 4 वर्ष की 5 वर्ष की आयु थी तब से ढूंढने लगे थे। किनको? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। और कब तक ढूंढेंगे? 40 वर्ष की जब उम्र होएगी 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया विदार अपने प्रीतम को ढूंढते ढूंढते ये क्यों ढूंढा? श्यामा जी के अंदर ही थे राजी महाराज, लेकिन अंदर जो देवापी बैठा है देवापी का जीव, उस देवापी के जीव की अभी व्यासीमा और तिरासीमा पक्ष की गलती शेष है। जब व्यासीमा और तिरासीमा पक्ष जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, बाल मुकुंद और बाल के बिहारी की भक्ति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक 25 पक्ष पर नाम के नहीं मिलते। उस भक्ति को कल के रोज सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज कल जाएंगे संतों के पास, साधुओं के पास, सन्यासियों के पास खोज करेंगे और 4 वर्ष तक से खोज करते करते फिर पहुंचेंगे हरिदास जी के पास। तो कल हम सारी लीला सुनेंगे और कल डोंगरी का भोग कल के रोज आएगा। सभी सुंदर साथ अपनी श्रद्धा भावना से पता नहीं खुद बनाते हो कि मंदिर में बनती है, ऐसा मुझे नहीं पता कहाँ बनती है। मंदिर में क्या सुंदर साथ घरों से बना के लाते हैं, मंदिर में बनती है। तो कल के रोज घुंगरी का भोग लगेगा और वो घुंगरी का दर्शन साक्षात गोलोक धाम से वो घुंगरी देवचंद्र जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में आती है। ये लीला को हम कल सुनेंगे। अभी सुंदर साथ सभी मिलकर चौपाई दोहराएंगे। बोलिए श्री कांडनाथ प्यारे की जय। सोए माता गुजरात श्री माम चले एहसास जी, हे देवचंद्र जी की बीतक, आगे खोज करेंगे कोई बाता गुजरात, कोई बाता